नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो सी टेट एग्जाम 2021 को लेकर दोस्तों आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या बदलाव किए गए हैं, आपकी एग्जाम जो ऑनलाइन होने वाली है दोस्तों, उसके फॉर्म कब से अप्लाई होने वाले हैं और नोटिफिकेशन को लेकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सी टेट के छात्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पर आपको सी टेट की नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म को लेकर डेली अपडेट है वो मिलती रहती है। तो कब आपकी एग्जाम होगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। स्टूडेंट कैसे तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस में बदलाव किया गया है और इसी के साथ आपका परीक्षा पैटर्न भी बदला गया है। तो क्या क्या बदलाव हुआ है दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति की लागू की गई है उसके अनुसार इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की अपडेट है दोस्तों, सी टेट 2021 नोटिफिकेशन। सी टेट परीक्षा के लिए जल्द जारी आपका नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर सीबीएसई की तरफ से अपडेट भी आ रही है कि 15 अगस्त से पहले आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म आपके 19 अगस्त की यहाँ पर डेट दी गई है कि 19 या 20 अगस्त, इन दोनों डेट में आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो चालू हो जाएंगे। तो सी टेट को लेकर ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट। अभी मीडिया रिपोर्ट की माने तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। वहीं जो मीडिया रिपोर्ट ये भी कह रही है कि अंतिम सप्ताह में, यानी कि जो है अगस्त के लास्ट तक आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जो इसके फॉर्म चलेंगे और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा के लिए करेक्शन विंडो खोल दिया है। इसके बाद दिसंबर या फिर जनवरी में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपकी डेट थी अक्टूबर, अब कहा जा रहा है कि दिसंबर में एग्जाम होगी, करेक्शन भी होगा इसमें। तो इसको लेकर दोस्तों मैं बता दूँ आपको, जो बदलाव क्या किया गया है उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। तो सी टेट में नई शिक्षा पॉलिसी को लागू करने के बाद सबसे पहला जो बदलाव है, ऑनलाइन परीक्षा होगी, परीक्षा पैटर्न भी अलग होगा। इसी के साथ कोरोना वायरस के चलते सी टेट परीक्षा की आयोजन में देरी हो रही है। वहीं परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। नोटिस आया था उसके अनुसार दोस्तों पैटर्न बदला जाएगा, सिलेबस आपका दोस्तों थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा, नए टॉपिक उसमें जुड़ेंगे और कुछ टॉपिकों को उसमें से कम किया जाएगा। तो ये सिलेबस में बदलाव रहेगा दोस्तों। सबसे मुख्य बदलाव है वो है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत तीन पेपर आयोजित होना चाहिए दोस्तों। तीन पेपर के लिए नोटिफिकेशन आयोजित होगा, संशोधन किया जाएगा। इसी वजह से दोस्तों नोटिफिकेशन में देरी हो रही है, हालांकि अब नोटिफिकेशन दोस्तों कभी भी जारी हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आयोजित होने की अब अपडेट आ रही है और पहले अक्टूबर की कहा जा रहा था। अब देखना होगा दोस्तों, नोटिफिकेशन आएगा उसी में क्लियर होगा कि कब आपकी जो है एग्ज़ाम है वो आयोजित होगी, दिसंबर में आयोजित होगी या फिर अक्टूबर में आयोजित होगी। और एडमिट कार्ड अगर आप की एग्जाम है दोस्तों दिसंबर में होती है तो नवंबर में देखने को मिलेंगे। सी टेट की दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव ये है कि तीन पेपर आयोजित होंगे। इसी के साथ दूसरा बदलाव ये है सबसे बड़ा कि दोस्तों आपको 90 नंबर सी टेट क्वालिफाइड के लिए चाहिए होते थे, लेकिन अब वो 85 नंबर पर आपका सी टेट क्वालिफाइड होने वाला है। तो यानी कि 5 नंबर कम कर दिए गए हैं नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार। और इसी प्रकार दोस्तों कुछ और भी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि आपकी जो है ऑनलाइन एग्जाम होगी और सिलेबस दोस्तों आपका जल्द ही जारी हो जाएगा। सिलेबस को लेकर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नोटिफिकेशन इसी महीने में दोस्तों आपका 19 अगस्त से पहले या फिर 15 अगस्त से पहले है वो जो जारी हो जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सी टेट को लेकर जैसे ही आपकी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।